हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार की गई थी, लेकिन उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ किसान नेताओं के साथ मुलाकात की, लेकिन वो बैठक बेनतीजा रही। अब सरकार की ओर से प्रस्ताव आ चुके हैं, किसानों के 9 मुद्दे और उन पर सरकार के 9 प्रस्ताव, 9 आश्वासन। क्या अब गतिरोध समाप्त होगा? चर्चा आज इसी पर करेंगे। मैं हूं अजय मिश्र और आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ पर हमारा खास कार्यक्रम किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। लेकिन जिस तरह सबसे पहले हमने आपसे कहा कि जो किसानों के 9 मुद्दे हैं और उन 9 मुद्दों पर 9 आश्वासन क्या कुछ सरकार ने दिए हैं, सबसे पहले उसी की ओर मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और अब एक एक करके वो देखते हैं मुद्दे क्या हैं। आश्वासन यह है कि केंद्र सरकार MSP जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है, उसकी वर्तमान खरीदी व्यवस्था के संबंध में लिखित आश्वासन देगी। दूसरा, अधिनियम को संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। सरकार ने कहा है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, लेकिन किसानों की मांग पर हम संशोधन करेंगे और मंडियों की व्यवस्था राज्य सरकार APMC मंडियों के तहत जो प्राइवेट मंडियां बनेंगी वहां से सेस ले सकते हैं। तीसरा आश्वासन ये कि पंजीकरण के लिए शक्तियां राज्यों को प्रदान की जा सकती हैं, जिससे राज्य सरकारें किसानों के हित में कानून बना सकें। अगर आपको न्यायालय की बात है तो अब इस संशोधन में कहा गया है कि अतिरिक्त सिविल न्यायालय भी जाने का विकल्प किसानों को दिया जा सकता है। पंजीकरण नहीं होता, किसानों की मांग ये थी, जब तक लिखित करार नहीं होता है तब तक आप SDM के पास जा सकते हैं, 30 दिनों के भीतर वो सभी करार आपके मान्य होंगे, ये प्रस्ताव में कहा गया है सरकार की ओर से। उसके बाद ये जो जमीन कुर्क हो जाएगी, ये एक मुद्दा था, उस पर सरकार ने यह कहा है कि किसी भी तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर कंपनियां करती हैं तो उस पर केवल और केवल किसान का अधिकार होगा, इसलिए किसानों को जमीन और उस पर जो बनाया गया अवसंरचना है उसको लेकर कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ जो नया बिल है विद्युत बिल को लेकर के, बिजली का बिल को लेकर के, वो वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी, और साथ ही साथ पराली को जलाने से संबंधित जो प्रावधान, जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, उसमें किसान के जो आपत्तियां हैं उनका समुचित समाधान किया जाएगा। तो ये जो 9 मुद्दे किसान संगठनों की ओर से सरकार के समक्ष उठाए गए थे, अब सरकार ने 9 प्रस्ताव दे दिए हैं और स्पष्ट कर दिया है, और यह अपील भी की है कि अब आपको आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि हम सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए और अपनी ओर से प्रस्ताव भी दे चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी जो किसान संगठन है उन्होंने 2-2 ये कह दिया है कि आपको तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ेगा, उससे पहले वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, और आने वाली 12 तारीख को वो, अभी तक दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे ये समस्या थी, अब वो कह रहे हैं कि दिल्ली जयपुर रास्ता भी जाम करेंगे। क्या समाधान है इसका? हमारे साथ अशोक ठाकुर जो कि निदेशक है NFED के, वो इस वक्त जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ न्यूज रूम से जुड़ेंगे हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र, उनके साथ भी जुड़ेंगे। लेकिन ठाकुर साहब, आपने भी ये प्रस्ताव देखे, क्या आपको लगता है कि जो किसानों की मांग है अभी भी जो अड़े हुए हैं कि साहब आपने सारे प्रस्ताव दे दिए उसके बाद भी हम ये आंदोलन जारी रखेंगे, क्या अभी भी उनके पास सरकार पे भरोसा न करने का कोई ठोस कारण है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अगर किसानों को किसी प्रकार की कोई शंका है या उनको लगता है कि हमारे पास इससे अच्छा प्रस्ताव है और इसको हम सुधार सकते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका स्वागत सरकार ने किया था और उनको उसके साथ आगे आना चाहिए था। परंतु पहले दिन से ही, जैसा कि हमने देखा है कि कुछ किसान जो हैं, मैं अब अगर आप बोलेंगे कि सारे किसान, तो सारे किसान नहीं, कुछ किसान, देश में लगभग 15 करोड़ किसान हैं, आज कुछ 1 लाख किसान जो है वो ये मांग कर रहे हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर वो जायज मांग करें तो निश्चित तौर पर सरकार उसको सुनने को तैयार थी, और अब सरकार ने अपनी तरफ से प्रस्ताव बनाकर भेजे भी हैं। मुझे नहीं लगता कि जो शंकाएं जिस प्रकार जाहिर की गई थी पिछले दिनों में, जो अलग अलग मंचों से जो भाषण दिए गए थे या डिबेट्स में जो मुद्दे उठाए गए थे, उन सब का समाधान ये सरकार ने अपने इस प्रस्ताव के माध्यम से कर दिया है। अगर अब भी कोई हठधर्मिता दिखाता है और ये कोशिश करता है कि आंदोलन जारी रहे और कि ये बिल वापस होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ वो देश के किसानों के हित में नहीं है। मैंने एक बात और भी कही है कि ये जो कानून है, ये मैं समझता हूँ गरीब जो किसान है, जो मध्यम दर्जे का जो किसान है, छोटी जोत वाला जो किसान है, उन सबको ध्यान में रखकर बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। कुछ बड़े किसान, मुझे लगता है कि इस आंदोलन को
हथियाना चाह रहे हैं, अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं, उनके क्या स्वार्थ उसके पीछे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन अगर ओवरऑल हम इसकी चर्चा बात करें तो ये सारे कानून मध्यम और छोटे दर्जे के जो किसान हैं, जो छोटी जोत वाले और गरीब किसान हैं, उनके लिए बहुत ही ऐतिहासिक हैं। और पिछले वर्षों में जिस तरह से डीवीडी के माध्यम से जो डायरेक्ट ट्रांसफर जो किसानों के खातों में किया गया जी, उसके बाद मैं समझता हूं कि गरीब किसानों को बहुत राहत मिली है। सरकार उसको आगे बढ़ाना चाहती है, उनकी आय को बढ़ाना चाहती है, उनको देश की मुख्य धारा में जोड़ना चाहती है। लेकिन अगर इस तरह से हठधर्मिकता दिखाई जाएगी, इस तरह से धक्काशाही की जाएगी, तो मैं समझता हूँ ये लोकतांत्रिक नहीं है, ये सब किसानों के हित में। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो संवाददाता हैं शैलेंद्र, उनको भी शामिल किया जाए इस चर्चा में, और शैलेंद्र के पास मैं आऊंगा। उससे पहले ठाकुर साहब, छोटा सा सवाल ये कि जो एमएसपी पे सरकार कह रही है कि हम आप लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार हैं, स्पष्ट तौर पर सरकार ने एक तरह से ये भी कह दिया है कि एमएसपी को शामिल करते हुए कोई नया कानून लेकर के नहीं आएंगे, क्योंकि जो खाद्य सुरक्षा कानून है उसमें पहले से इस बात का प्रावधान है कि सरकार को खरीद करनी होगी, और जो आपके अंतिम पायदान पर बैठे लोग हैं पीडीएस के जरिए, उनको खाद्य सुरक्षा दी जाएगी। क्या कह रहे हैं? देखिए साहब, इसमें पहली बात तो पूत के पाम पालने में हमने सुना है कहावत जो है, तो अगर हम सरकार की मंशा को समझना चाहते हैं तो पिछले 6 वर्षों में जो सरकार ने काम किया है उस पर हमको जाना चाहिए। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि एमएसपी पर ये गारंटी होनी चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं या दूसरी पार्टियों के लोग हैं, उन्होंने मिलकर सरकार चलाई थी 10 साल कांग्रेस जी, और स्वामीनाथन जी ने जो रिकमेंडेशंस दी थी उनकी तरफ उन्होंने, मैं समझता हूँ, उसको चिमटे से भी छूने का जहमत नहीं उठाई उन्होंने, कोशिश तक नहीं की। एमएसपी नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद जो A2+FL को स्वीकार करते हुए 1.5 गुना लागत के साथ जो एमएसपी बढ़ाया, निर्धारण का जो काम किया है वो सरकार ने, उसको मोदी सरकार ने किया है। उसके बाद अगर हम आज देखें तो धान की कुल उत्पादन की 43% खरीद जो है आज सरकार कर रही है। अगर हम गेहूं की बात करें तो वो लगभग 28% के आसपास जो कर रही है। अगर हम गन्ने की बात करें तो 80% के आसपास जो है कुल उत्पादन की खरीद कर रही है। अगर हम दलहन और तिलहन की बात करें जो मुश्किल से 600-700 करोड़ रुपए के आसपास खरीदी होती थी, उसका बजट 50,000 करोड़ चला गया है। 1.25 लाख मीट्रिक टन से खरीद जो है प्रत्येक वर्ष 35-40 लाख मीट्रिक टन चली गई है। तो हर क्षेत्र के अंदर कुछ एक फसलों को नहीं, पूरी 23 फसलों को जो है मैं धारा बढ़ाते हुए एमएसपी को इस सरकार ने आने के बाद मजबूत किया है। और इसके साथ साथ इस एमएसपी के तंत्र में, जैसे मैं नेफेड का होने के नाते आपको ये जानकारी दे रहा हूं, इसके अंदर जो एक्सप्लॉयटेशन होता था, जो शोषण होता था किसान का, उसको दूर करने के लिए नेफेड ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। जैसे कि सीधा किसानों के खाते में भुगतान करना, ये पहला कदम था। दूसरा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना, ये हमारा दूसरा कदम था, जिसके कारण हमने जो खरीदी की जो लिमिट लगाना, ताकि जो बड़े बड़े जो किसान थे अपना दबदबा रखते थे कृषि के अंदर, वो सारा माल जो है एमएसपी के नाम पर बेच जाते थे, छोटे किसानों पर नहीं आता था, तो हमने उसकी सीलिंग लगाई है ताकि बड़े किसान उसको एक्सप्लॉइट ना कर सके आढ़तियों के साथ मिलकर। ये बड़ी बात है जी। शैलेंद्र जी, जी हर तरह से व्यवस्था को मजबूत करने का काम इस सरकार ने किया है, उसमें पारदर्शिता लाने का काम किया है, और उसको सीधा किसानों के साथ जोड़कर जो है, जो बिचौलियों के माध्यम से जो चोरी होती थी उसको रोककर किसान को अधिक से अधिक उसका लाभ मिले, इस दिशा में काम किया। मुझे लगता है किसानों को इसका स्वागत करना चाहिए, सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए, और एक और जो सरकार प्रयास करने जा रही है उसका स्वागत करते हुए 1 लाख करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, और जो एफपीओ के लिए जो 10,000 FPO बनाने के लिए 50 करोड़ का जो फंड है, उसका लाभ लेते हुए किसानों को अपने सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास करने चाहिए, हम उनके साथ हैं। शैलेंद्र, क्या आपको लगता है एमएसपी को लेकर के पूरी तरह से इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है? और एक जो और आशंका है कि निजी क्षेत्र एमएसपी के नीचे खरीदता है, तो क्या ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने राज्य में कानून बनाए कि कोई भी निजी क्षेत्र एमएसपी के नीचे खरीदेगा नहीं, जिससे किसानों के हित की सुरक्षा हो पाए? ये पूरा का पूरा मुद्दा राजनीति में उलझ सा गया लगता है। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं अजय कि दरअसल इस पूरे मुद्दे पर अब राजनीति खूब हो रही है और किसान एक तरह से पीछे छूटते जा रहे हैं, और तमाम जो विपक्षी दल हैं उन्होंने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की है उन पर ये आरोप
लग रहे हैं कि वो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि विपक्षी दलों के नेताओं ने जिस तरह से अपनी बातें रखी हैं और जिन मुद्दों को पहले समर्थन करते रहे थे, जिन सुधारों की वकालत करते रहे थे, अब उसके उलट बात कर रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि अब किसान के बहाने राजनीति हो रही है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सरकार ने प्रस्ताव के जरिए आश्वासन दिया है, लिखित तौर पर कहा है। आप देखिए कि अब पराली को लेकर भी जो एक किसानों की जो चिंताएं थी पराली न जलाने को लेकर, उस पर भी कहा है कि उनके हित का ध्यान रखा जाएगा। जो बिजली अधिनियम की बदलाव की बात है उस पर भी कहा गया कि यथावत रखा जाएगा। एमएसपी को लेकर जरूर हम जानते हैं कि जब संसद में चर्चा हुई थी तब ये मुद्दा उठा था, तब ये कहा गया था कि दरअसल एमएसपी कोई बिल के जरिए नहीं आया था, लिहाजा ये सरकार सुनिश्चित करेगी कि एमएसपी आगे भी जारी होती रहे। और बार बार सरकार सदन के अंदर सदन के बाहर ये इस बात को सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा, और अभी जो खरीद हो रही है वो दर्शाता भी है। तो निश्चित तौर पर इस शंका का समाधान हो जाना चाहिए कि एमएसपी आगे भी घोषित होती रहेगी और सरकारी खरीद होती रहेगी, क्योंकि पीडीएस के लिए हमें अनाज की जरूरत है। और हम जानते हैं कि कोरोना में जिस तरह से मुफ्त वितरण किया गया और अभी जो खरीद हो रही है धान की वो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हो रही है, तो ये एक तरह से एक शंका का समाधान ये है। अब लिखित प्रस्ताव का ना मानना या ये लिखित आश्वासन देने की बात सरकार ने की कि हम एमएसपी पर लिखित आश्वासन देंगे, अब ये किसानों जो किसान कुछ किसान जो धरना दे रहे हैं वो इस पर सहमत नहीं है। तो निश्चित तौर पर एक तरह से देखें कि ये सवाल उठ रहा है कि क्या इसके पीछे एक राजनीति भी हो रही है, चूंकि तमाम विरोधी दल अब एक तरह से देखें तो किसानों के इस आंदोलन को कुछ किसानों के इस आंदोलन को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। दूसरी जो बात है कि जो राज्य की जो अपनी भूमिका है, हम जानते हैं कि कृषि अगर आप देखें तो राज्यों का सब्जेक्ट है, एपीएमसी एक्ट में बदलाव की बात है, राज्य अपने स्तर पर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो निजी जो खरीदारी होती है वो जो एक सवाल आता है कि जो एक मांग भी थी कि एमएसपी से नीचे खरीद ना हो ये तय किया जाए, यहाँ पर कुछ व्यवहारिक समस्याएं हैं। ये देखना होगा कि क्या सभी फसलों के लिए जो जिन पर एमएसपी घोषित होती है उनकी खरीद मूलतः एमएसपी के नीचे ना हो, क्या ये ऐसा तय किया जा सकता है, चूंकि इसमें बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बाजार सामने आता है, कई बार फसलों की कीमतें ऊपर नीचे होती है, कई बार एमएसपी से काफी ऊपर कीमतें कुछ कृषि उपजों की चली जाती है, तो निश्चित तौर पर वो व्यवहारिक समस्याएं हैं। लेकिन राज्य सरकार ये देख सकती है कि जो किसानों को उनकी उपज की अधिक से अधिक कीमत मिले, कम से कम जो एमएसपी के जरिए सरकारी खरीद होती है उसमें अधिकतर अनाज किसानों का जो बेचने योग्य जो अनाज है वो खरीदा जाए, उसके लिए जो व्यवस्था है वो बेहतर से बेहतर की जाए। तो निश्चित तौर पर अगर आप एग्रीकल्चर और किसानों के कल्याण की बात करें तो उसमें राज्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और राज्य अपने स्तर पर कई फैसले ले सकते हैं। यही वजह है कि जो आज लिखित प्रस्ताव दिया गया उसमें कहा गया कि राज्य अगर चाहे तो निजी मंडियों में वो सेस लगा सकते हैं जिसे मंडियों में लगता है, और यह तय कर सकते हैं एक कि जिसे लेवल प्लेइंग फील्ड है, जिसे भविष्य में जो वर्तमान मंडियां हैं वो कमजोर ना हो, या व्यापारियों का पंजीकरण कर सकते हैं। मैं इसी मुद्दे पर जी शैलेंद्र आप मेरे साथ बने रहिए, मैं इसी मुद्दे पर अशोक ठाकुर साहब की राय लेता हूँ। ये जो मुद्दा था ठाकुर साहब की जो मंडी समितियां हैं, जो अभी स्थापित मंडियां हैं वो कमजोर करने की एक साजिश है, वो कमजोर हो जाएंगी, किसान निजी मंडियों के चंगुल में फंस जाएगा, इसलिए सरकार ये करी कि साहब अगर आप चाहते हैं रेगुलेशन करना तो जो प्राइवेट मंडियां हैं उनके भी रेगुलेशन का जिम्मा हम आपको दे देते हैं, आप उस पर भी सेस लगा सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं, अब तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या वाकई आपको लगता है कि जो करेंट मंडी स्ट्रक्चर है उसको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि आरोप है? नहीं, देखिए अगर आप देखेंगे पिछले 6 वर्षों में तो अपने जो 70 साल के अंदर इसमें भारतीय जनता पार्टी का भी जो पिछला कार्यकाल है उसको भी एड ऑन करने के बाद कुल 7,700 मंडियां देश के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, और हमारी सरकार आने के बाद जो है वो मंडियों को मजबूत करने के लिए उसका बजट लगभग 5 गुना बढ़ाया गया था, उसको ईनाम से जोड़ा गया था, उसको आधुनिकरण करने के लिए जो है अतिरिक्त पैसा उपलब्ध कराया गया था, जो मंडी के स्तर पर एक्सप्लॉयटेशन होता था उस एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने के लिए आधुनिकरण और इम्प्लीमेंट्स जो जिस तरह की मशीनी या और कोई चीज़ें अगर मंडी के अंदर लगानी है उसका भी प्रावधान किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में भी उसका प्रावधान किया गया है। तो मुझे ये लगता है कि अगर इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो लगातार मंडियों को मंडी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में था। 22,000 जो छोटे हाट थे उनको अपग्रेड करके मंडियों में कन्वर्ट, कृषि मंडियों में कन्वर्ट करने का काम भी इसी सरकार ने अपने हाथ में, जो ग्रामीण कृषि हाट जिसका बजट में प्रावधान किया गया था, आप सही कह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, बजट में प्रावधान किया गया था क्योंकि ये सरकार जानती है कि देश में आज 42,000 मंडियों की जरूरत है, ये सभी शोध यही कहते हैं।
और 7,700 तो एग्जिस्ट करती हैं। और तो इसके साथ में जो इनाम प्लेटफॉर्म बनाया गया वो पारदर्शिता और जो एक तरह से लाने के लिए वो भी उसके साथ ही एक एडेड मेरे ख्याल से विकल्प के रूप में देखना चाहिए उसको भी। बिल्कुल बिल्कुल, वो शुरू में 585 मंडियों में था, उनको सभी 7,700 मंडियों तक ले जाने की बात थी। और जैसे अब नेफेड जो है 100 मंडियां बना रही है अभी, हमने पहली मंडी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के हाथों उसका उद्घाटन कराया है, और उन मंडियों के अंदर हम बहुत सब व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं। जैसे मॉइस्चर की एक बड़ी समस्या थी, तो मॉइस्चर को समाप्त करने के लिए उसमें एक जो मशीन हम लगा रहे हैं, ताकि जो किसान को आड़ती ये कहता था भी आपके इसमें ज्यादा मॉइस्चर है इसलिए हम इसको खरीद नहीं सकते। ठाकुर साहब, ये जो मंडी आपने बनाई है, क्या ये निजी क्षेत्र की मंडी मानी जाएगी या केंद्र सरकार की मंडी मानी जाएगी? देखिए, इसमें बड़ी बात है, वो समझने की बात है, किसानों को मुझे लगता है कि इसको अवश्य समझना चाहिए। जी बताएं प्लीज। 100 जो मंडियां बना रहे हैं हम, तो स्थानीय किसानों का जो FPO है, किसान उत्पादक संगठन जो है, उसके माध्यम से हम इस मंडी को खड़ा कर रहे हैं। उसके माध्यम से ही हमने ये पहली मंडी का उद्घाटन किया है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उसका पैसा भारत सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से लगेगा या नेफेड के माध्यम से लगेगा या उस अन्य प्रावधान हम कर रहे हैं, तो वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होगा उसका मालिकाना हक वहां की स्थानीय जो किसानों की इकाई होगी, जो किसान उत्पादक संगठन, उसका होगा। हम केवल और केवल नेफेड उसमें बिजनेस पार्टनर के तौर पर होगा। ये एक बड़ी बात कह रहे हैं जी, सहकारिता के साथ आप एक नई मंडी स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं देश में। हाँ, तो वो किसान की मंडी होगी। अभी अभी तक सरकार, राज्य सरकार की मंडी होती थी, उसके अंदर अव्यवस्था है, उसके अंदर भ्रष्टाचार है, उसके अंदर एक्सप्लॉयटेशन है, आड़तियों का दबदबा है, बड़े किसानों का प्रभाव है, बड़े बड़े धरना सेठ, बड़े बड़े किसान 100-100 एकड़ के जो है उसके ऊपर अपना बड़ा इंटरेस्टिंग है। और हो सकता है अगर आपकी मंडी अच्छा काम करे तो वो लोग भी थोड़ा सा रास्ते पर आ जाए और भ्रष्टाचार कम हो जाए। निश्चित तौर पर देश के अंदर में वही होने वाला है कि लगभग 1.5 से 2 लाख कृषि संस्थाएं हैं कॉपरेटिव सेक्टर के अंदर ही, और अब FPO भी बने हैं, 8,000 तो बन चुके हैं, 10,000 और बन जाएंगे। इन सब की जो प्रबंधक समितियां हैं, अगर हम उनको एकाधिकार देते हैं तो उनमें स्थिरता आती है काम करने की, उनमें ना जवाबदेही बनती है ना वो सेवाएं देने की तरफ उत्साहित रहते हैं। तो अगर उनको प्रतिस्पर्धा नहीं मिलेगी तो वो इस दिशा में काम नहीं करते। तो अपने किसान को अपने साथ बनाए रखने के लिए उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ के जरिए एफिशिएंसी लाना, शायद ये आपके एक नए स्ट्रक्चर का एक बड़ा उद्देश्य है। छोटा सा ब्रेक लूंगा ठाकुर साहब, मैं वापस आऊंगा और ये जो तमाम मुद्दे हैं उस पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध।